हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट जेन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल। अब देखिए सेल और विल मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद वी वन लगता है, लेकिन यह कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस टेंस में वी फोर लगता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो वी फोर भी हमें लगाना है। इसके बाद वी फोर आता नहीं है तो क्या करना होगा, तो इसके बाद एक बी वी वन रखना है, बी ग्रुप का एक मेंबर बी रख लेंगे जिसका कोई विशेष अर्थ यहाँ पर नहीं होता है। तो सेल विल बी फिर अब यहां पर भी फोर हम रख सकते हैं और तब ऑब्जेक्ट राइट। तो एग्जांपल इसका देखते हैं हम। एग्जांपल आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह सब्जेक्ट है हमारा, शैल विल का यूज़ बी, एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव वर्ब का यूज़ बी ग्रुप का किया गया है, बी फोर है और ये ऑब्जेक्ट है हमारा राइट। अब हम देखते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस इसमें हम शैल और विल के बाद नोट का यूज़ करेंगे। सेल विल के बाद नोट का यूज होता है, बी के बाद नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नोट, हम साथ में भी साउंड या उंट का भी यूज कर सकते हैं नो डाउट, प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल को भी देख लेते हैं। They will be cooking food. They will be cooking food. Right? यहां भी देख सकते हैं किस प्रकार से, sorry, not का use हमने यहां नहीं किया है, तो they will not be, यहां not हमें use करना है क्योंकि negative sentence है यह, तो not be cooking, they will not be cooking फूड, ये हमारा सेंटेंस होगा इसमें। फिर हम देखते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, तो यहां ध्यान रखना है इसमें सेल नोट एक साथ जब यूज करेंगे तो सांट और उंट का यूज करेंगे, ठीक है, सेल प्लस नोट सांट और विल प्लस नोट उंट, क्या होगा, सेल प्लस नोट की जगह पर हम सांट लिख सकते हैं और विल प्लस नोट की जगह पर हम उंट लिख सकते हैं, ध्यान रखना है राइट। अब यस नो क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर होगा सेल और विल पहले आ जाएगा, तो सेल विल प्लस बाकी जो जैसा है ऊपर वैसा ही लिख देना है, बिफोर है तो बिफोर, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन यह चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क इसमें देना बहुत ही जरूरी है। अब इसके एग्जांपल को हम लिखते हैं, सेल सेल वी बी प्लेइंग फुटबॉल राइट। फिर देखिए हम अगर यस नो प्लस निगेटिव की बात करें, यस नो प्लस निगेटिव, तो इसमें केवल हमें नोट का यूज करना होगा, दो तरह से नोट यूज कर सकते हैं, एक तो सब्जेक्ट के बाद सेल विल प्लस सब्जेक्ट, यहां पर नोट का यूज कर सकते हैं, फिर बी फोर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क,
और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, यहीं पर हम सांट या उंट प्लस इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी वी फोर ऑब्जेक्ट और तब क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो दोनों ही एग्जाम, दोनों ही का एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल, विल यू, विल यू नोट बी रीडिंग, विल यू नोट बी रीडिंग, उसी तरह से इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। उंट यू, उंट यू बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो, और भी जो है वो सब सेंटेंस में इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, जो कि डब्ल्यू एच सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन का। इसमें सेल विल के पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करना होता है, तो यहां भी करेंगे। सबसे पहले तो डब्ल्यू एच वर्ड का यूज यहां पर हम करेंगे, फिर सेल का, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी वी फोर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम। व्हाई, व्हाई सेल आई नॉट बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो, मैं इस समय कल क्यों नहीं पढ़ता रहूंगा, नहीं मैं कल इस समय क्यों नहीं पढ़ रहा होऊंगा, मैं कल इस समय क्यों नहीं पढ़ रहा होऊंगा, ये होगा। फिर अगर हम एफ के स्ट्रक्चर को देखें, डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव क्वेश्चन, तो इसमें नोट का यूज बस उसी तरह से, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सेल, विल प्लस सेल विल के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगेंगे, फिर बी वी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। Why? सॉरी, यहाँ नोट नहीं होगा क्योंकि यह तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन केवल है, नेगेटिव वाला तो ये है, तो यहाँ पर नोट यूज होगा। Why sell I not be reading at this time tomorrow, sorry tomorrow, tomorrow, okay। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर इसमें सेल और विल के साथ भी नोट लगा करके लिख सकते हैं, तो कैसे वह भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वाई सेल आई, सॉरी यहाँ तो हमें नोट साथ में यूज करना है, तो यहाँ सांट होगा। वाई सांट आई बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो, ओके। अब हम इसके यूज को देखते हैं, यूज कहाँ करते हैं, तो चलिए हम यूज भी इसका देखते हैं। यूज ऑफ फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां करते हैं? तो दिस टेंस इज यूज्ड, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, फ्यूचर में प्रोग्रेस में रहेगा, दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, लगातार कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, she will be cooking food at this time tomorrow, कल वह इस समय खाना बना रही होगी, मतलब कंटिन्यू रहेगी फ्यूचर में, प्रोग्रेस में वर्क रहेगा। तो उस सेंस में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर और यूज़ रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, थैंक यू।